दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों सीएससी सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे किया जाता है या प्रिंट कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर आपने आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट डाउनलोड किया होगा तो उसमें फोटो नहीं लगा होगा आपका, तो वो भी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फोटो के साथ में आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे किया जाता है। दोस्तों सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में मोर्फो डिवाइस लगाना है। सबसे पहले मैं लगा देता हूं डिवाइस, उसके बाद में एक कंसेंट आएगा, उसको ओके करना है। अगर आपके पास इस तरीके से कंसेंट आता है तो दोस्तों आपका डिवाइस काम कर रहा है, अगर इस तरीके से नहीं आता है तो आपका डिवाइस काम नहीं कर रहा है, तो इसको ओके करना है। उसके बाद में दोस्तों क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है register.csc.gov.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से पेज इंटरफेस इसका है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ माई अकाउंट पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हो यहाँ से, और यहाँ इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ सीएससी आईडी डालेंगे, उसके बाद में फिंगरप्रिंट डिवाइस सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आईरिस डिवाइस तो सबके पास होता नहीं है, तो फिंगरप्रिंट डिवाइस सबके पास होता है, तो इसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करके प्रोसेस इसी से करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ सीएससी आईडी डालना है, फिंगरप्रिंट पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ दोस्तों कैप्चा कोड अपना डालना है। उसके बाद में दोस्तों इसको एक्सेप्ट करना है टर्म एंड कंडीशन को। उसके बाद में दोस्तों इसको सबमिट करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ सबसे पहले आपको टिक करना है। उसके बाद में स्टार्ट कैप्चर करके आपको अपना फिंगर कैप्चर करके लॉगिन हो जाना है इसमें। तो चलिए मैं फिंगर स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करूँगा, उसके बाद में हमारे डिवाइस की जो लाइट होती है वो ऑन होगी, उसके बाद में आपको फिंगर अपना कैप्चर करना है। याद रहे दोस्तों जिसको अपना सीएससी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है उसी का फिंगर प्रिंट इसमें कैप्चर होगा। तो चलिए स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करते हैं। दोस्तों लाइट ऑन हो चुकी है, मैं यहाँ अपना फिंगर रखूँगा और ये स्कैन करेगा, उसके बाद में इसमें आप लॉगिन हो जाओगे। देख सकते हो दोस्तों ये रिडायरेक्ट कर देगा, कुछ इस तरीके से आपका प्रोफाइल इस तरीके से कुछ ओपन होगा। दोस्तों आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, एक सर्टिफिकेट का और एक आईडी कार्ड का। तो सबसे पहले मैं दोस्तों सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट पर, तो दोस्तों इस तरीके से पेज नेक्स्ट पेज में दोस्तों ये ओपन हो जाएगा, हमारा जो सर्टिफिकेट है दोस्तों कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप यहां से प्रिंट कर सकते हो या इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इसमें फोटो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसमें फोटो कैसे आएगा वो भी मैं प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। तो इसको कैंसिल करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले जाना है केवाईसी अपडेट में, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों केवाईसी अपडेट पर अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, यहाँ आपको मिलेगा पर्सनल डिटेल का ऑप्शन, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा, दोस्तों देख सकते हो अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो कर सकते हो, जैसे नेम, डीओबी, जेंडर और इमेज। तो मैं इमेज यहाँ अपलोड करूंगा, तो इमेज पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ दोस्तों आपको इमेज आपका अपलोड करना है। दोस्तों इसको आप लोग देख सकते हो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी में आप लोग अपलोड कर सकते हो। इसका जो साइज होना चाहिए वो 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ 20 KB का फोटो अपलोड करना होगा। तो चलिए ब्राउज करते हैं। तो दोस्तों मेरा एक फोटो देख सकते हो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे कितनी साइज है इसकी। तो दोस्तों इसकी साइज है 144 KB, तो इसका साइज कम करेंगे क्योंकि हमें 20 KB ही चाहिए। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट पर जाएंगे, और दोस्तों रिसाइज का यहाँ एक ऑप्शन मिलता है, ये पेंट में ओपन होता है। तो रिसाइज पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ डालेंगे 25, उसके बाद में ओके करेंगे, इसको सेव कर देंगे, क्लोज करके सेव कर दिया। उसके बाद में फिर से इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो दोस्तों अभी भी इसकी साइज जो है वो 21 KB है, तो 20 KB हमें चाहिए, तो थोड़ा सा साइज इसका और कम करना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे, एडिट पर जाएंगे, उसके बाद में रिसाइज करेंगे। उसके बाद में यहाँ दोस्तों फिर से 100 आ गया है, तो इसको 25 कर दोगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ डालेंगे 90 डालेंगे। उसके बाद में ओके करेंगे, साइज थोड़ा सा कम हुआ, इसको फिर से सेव करेंगे। उसके बाद में फिर से इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो दोस्तों 20 KB हमारी साइज हो गई है, तो 20 KB से थोड़ा सा कम ही चाहिए, तो थोड़ा सा और इसकी साइज कम कर देते हैं। फिर से प्रॉपर्टी इसका चेक कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों ये 19 KB की फोटो हो चुकी है, इसको ओके करेंगे, उसके बाद में इसको यहाँ से अपलोड करेंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे।
तो दोस्तों इमेज हैज बीन सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। उसके बाद में आप फिर से डैशबोर्ड पर क्लिक करके सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं। इमेज यहाँ दोस्तों देख सकते हो, इमेज हमारा अपडेट हो गया है। तो सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ फोटो आ चुकी है, हमारे जो सेसी सर्टिफिकेट है दोस्तों उस पर इमेज लगकर आ चुकी है। यहाँ से इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हो या इसको प्रिंट कर सकते हो। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको सेव कर लिया दोस्तों। इसको उस बाद में इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद में फिर अब आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे यहाँ से। आईडी कार्ड पे भी दोस्तों अगर आपके इमेज नहीं आ रहा है तो इसी तरीके से इमेज अपलोड कर दीजिए, आपके आईडी कार्ड पे दोस्तों इमेज आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें भी हमारा फोटो आ गया है। अब पहले दोस्तों इसमें फोटो नहीं आ रहा था, तो मेरा फोटो इसमें भी आ गया है। इसको भी पीडीएफ में सेव कर सकते हो या प्रिंट कर सकते हो। तो मैं पीडीएफ में इसको सेव कर लेता हूं। आप लोग देख सकते हो दोस्तों बहुत ही गजब का, इसको आप कट करके अच्छे तरीके से प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हो। ये ओरिजिनल आईडी कार्ड आपका है। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों सीएससी का सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड डाउनलोड करने का। उसके बाद में अगर आपका फोटो नहीं आ रहा है तो फोटो भी अपलोड करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आ गया होगा सीएससी का सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।